सो हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अनसेक सॉल्यूशन में। सो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि फनी वेबसाइट आप गूगल क्रोम ब्राउजर पे कैसे सर्च कर सकते हैं। और फनी वेबसाइट बहुत ही फनी वेबसाइट है, गूगल का भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मालूम रहना चाहिए। तो वही आपको आज मैं ऐसी 5 वेबसाइट के बारे में बताऊंगा जो आपके होश उड़ा देंगे। ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ आपके गूगल में। आप देखेंगे इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो अभी चलिए जानते हैं हम लोग वो 5 वेबसाइट के बारे में जो आपको पूरा होश और हैरान कर देगी। तो वो 5 वेबसाइट हम लोग देखते हैं स्क्रीन पे। उससे पहले आपको मैं एक फनी मीम्स दिखाता हूँ, वो आप अगर आप नहीं हंसे मैं गारंटी देता हूँ आप हंसोगे। मैं इतना फनी मीम्स सुना हूँ, वो फनी मीम्स सुनने के बाद आप हंसोगे। तो देखते हैं, चलिए मैं अपने अभी स्क्रीन पे फनी मीम्स आपको शो करता हूँ। हक दिया हक दिया, अब तक तो मुझे लगा सिर्फ पाद रहा है, लेकिन ना भाई हक दिया। जैसे कि आपने फनी मीम्स देखा, इतना लाफिंग मीम्स था, आपने जैसे कि स्क्रीन पे देख ही लिया होगा फनी मीम्स जो मैंने बात किया था फनी मीम्स के बारे में। चलिए किसी ने सोची ना होगी बहुत ज्यादा फनी, ठीक है तो वो सब ठीक है। और अभी हम लोग जानते हैं बारे में। चलो अभी देखते हैं वो 5 वेबसाइट। सो अभी हम लोग आ गए अपने गूगल स्क्रीन पे। तो गूगल स्क्रीन में मैं आपको पहली वेबसाइट दिखा रहा हूँ। पहली वेबसाइट का नाम है जो फनी है, इंटरेस्टिंग है, तो उसका नाम है गूगल मिरर। तो गूगल मिरर सिंपली आप गूगल मिरर आप अपने सर्च में लिख दीजिए गूगल मिरर, इधर मेरा शो हो रहा है। तो मैंने गूगल मिरर ओपन किया। गूगल मिरर ओपन होने के बाद आपको फर्स्ट नंबर पे ही दिखाई देगा गूगल मिरर आई एम ई गूगल। तो इसमें कुछ नहीं होता, बेसिकली इसमें सब कुछ उल्टा हो जाता है। जैसे हम लोग मिरर में देखते तो उल्टा हो जाता है ना, राइट हैंड ऊपर करके लेफ्ट हो जाता है, वैसे इसमें गूगल मिरर में उल्टा हो जाता है। तो मैं सिंपली इसमें क्लिक करता हूँ, ये एक गूगल का उल्टा पेज ओपन हो जाएगा। इसमें हम लोग कुछ भी सर्च भी कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं गूगल उल्टा लिखा हुआ है और बहुत ही इसमें बेसिक है। और ये पेज टर्न भी मैं कर सकता हूँ, इसका पेज टर्न अभी ये सीधा हो गया। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग वेबसाइट है गूगल मिरर, आप दाब के इधर खेल सकते हैं, इसको पानी को लहर को ऊपर कर सकते हैं। ओ वाह, पानी 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 को ऐसा ऊपर कर सकते हैं आप सिंपली। इसमें आप सर्च भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, सर्च में करता हूँ इधर कुछ डॉग सर्च करता हूँ तो इसमें शो करेगा। आप ये अपने गूगल में रख सकते हैं, बहुत ट्रिकी है ये वेबसाइट। तो डॉग में सर्च करता हूँ तो डॉग भी ओपन हो जाएगा, बहुत अच्छा है और इसमें बहुत फनी है। इसको मैं रेस करता हूँ एरो से, ये मोबाइल में भी ओपन होगा। ये जो 5 वेबसाइट के बारे में बता रहा हूँ वो मोबाइल में भी ओपन होगा। फिर मैं सेकेंड वेबसाइट के बारे में आपको बता रहा हूँ। सेकेंड वेबसाइट है हमारा एट्री ब्रेकआउट। और एट्री ब्रेकआउट का मतलब मैं बताता हूँ क्या होता है, क्या है ये एट्री ब्रेकआउट। ये एक गेम है, गूगल ने खुद का गेम बनाया है एट्री ब्रेकआउट। ये एट्री ब्रेकआउट आप गूगल में टाइप करने के बाद इधर सबसे फर्स्ट नंबर पे ही आएगा आपको, प्ले गूगल एट्री ब्रेकआउट गेम। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है, आप खेल सकते हैं, कोई वेबसाइट नहीं है ये खुद का गूगल का गेम है। आप इसका साउंड बहुत अच्छा है, अभी मैं साउंड नहीं बता पा रहा हूँ लेकिन मैं गेम बता रहा हूँ। खेलिए गेम, अगर आप बोर हो रहे हो तो गेम खेलो। इधर मैं इसको अंदर करता हूँ, ये पूरा रियल गेम है, आप सोचिएगा नहीं ये एनिमेशन है, वीडियो मेड है। तो सेकेंड वेबसाइट ये था। और थर्ड वेबसाइट मैं अभी आपको बता रहा हूँ, थर्ड वेबसाइट है बहुत ही इंटरेस्टिंग, गूगल ग्रेविटी। अभी आपको जैसे अर्थ में ग्रेविटी नहीं मिल रहा है, बॉल ऊपर फेंकेंगे तो नीचे आ जाता है, वैसे गूगल में भी ग्रेविटी होता है। सो उस वेबसाइट के बारे में आपको मैं बताता हूँ गूगल ग्रेविटी। तो सिंपली इधर आपको गूगल ग्रेविटी लिखना है, गूगल ग्रेविटी के बाद डैश करके मैं लिखता हूँ ELGOOG। इतना लिखने के बाद आपको सर्च करना है गूगल ग्रेविटी, इल गूगल में आपको इसमें टाइप करना है, फर्स्ट ही वेबसाइट है उसमें मैं टाइप करता हूँ। टाइप करने के बाद आपके पास देखिए, जैसे कि मैं एरो हिलाया हूँ गूगल ग्रेविटी, पूरा ग्रेविटी खत्म हो गया है इसका। फिर मैं ये ग्रेविटी को ऊपर फेंक सकता हूँ, इधर फेंक सकता हूँ, इसको मैंने इधर फेंका, ये गूगल को मैंने इधर पकड़ा, इसको गोल 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 घुमाया, गोल 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 घुमाया, इसको फेंक दिया, हटो, इसको भी मैंने घुमाया, फेंको। सर्च को मैं लेता हूँ, सर्च को मैं लेता हूँ और इसको मैं पकड़ के रखा हूँ,
इसको मैं इसके ऊपर डाल देता हूँ। अरे नहीं बैठ रहा है, चलो फेंक दो। ये बहुत अच्छा है गूगल ग्रेविटी, बिल्कुल ग्रेविटी नहीं है, सब इधर नीचे पड़ गया है, सो गया है। तो मेरा थर्ड वेबसाइट ये था। अभी मैं आपको फोर्थ वेबसाइट के बारे में बता रहा हूँ। मेरा फोर्थ वेबसाइट है, बहुत ही मेरे को इंटरेस्टिंग, मेरा फेवरेट है ये वेबसाइट, फ्लैग। ये वेबसाइट का नाम है फ्लैगवेयर। तो फ्लैगवेयर सिंपली आप टाइप कीजिएगा फ्लैगवेयर। तो फ्लैगवेयर टाइप करने के बाद मैं ये फर्स्ट नंबर पे आ रहा है फ्लैगवेयर, तो ये फ्लैगवेयर में क्लिक करता हूँ। फ्लैगवेयर में क्लिक करने के बाद आप इधर देख सकते हैं फ्लैग उड़ रहा है इस साइड, तो उस साइड, इस साइड, इस साइड। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें बहुत कुछ है सेटिंग। फ्लैगवेयर में मैं इसको विंड हो रहा है ना, अभी मैं इसको अनविंड कर देता तो ये नीचे आ गया। अभी विंड का मतलब आप जानते हैं हवा, तो ये हवा हो रहा है। उसके बाद मैं विंड करता हूँ, सो अभी फिर मैं इधर ये फ्लैग के जगह में मैं अपना फोटो भी लगा सकता हूँ। और सो इसका सेटिंग्स देख लेते हैं, फ्लैगवेयर का सेटिंग्स। तो इसका फ्लैगवेयर का सेटिंग है कुछ ऐसा, इसको अभी लेफ्ट में भी घुमा सकते हैं, फ्लैगवेयर अभी लेफ्ट में आ गया। इसको बॉटम में हमेशा नीचे ही घुमाना है, तो फ्लैगवेयर को बॉटम राइट में करना है, तो ये राइट साइड चले गया फ्लैगवेयर। और इसका ये भी है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल में फ्लैग गैलरी। तो मैं अभी इसको गैलरी में ले लेता हूँ, क्योंकि मैं इसमें फ़ोटो लगाने वाला हूँ अपना। तो इसको विंड कंट्रोल, विंड कंट्रोल मतलब एक स्थिर फ्लैग हिलेगा नहीं अपनी जगह से, झुकेगा नहीं साला। सो इसके बाद मैं अपना फ्लैगवेयर में फ़ोटो लगा रहा हूँ। तो फोटो लगाने के लिए इसमें ये वेबसाइट में सिंपली मैं फाइल में क्लिक करता हूँ। फाइल में क्लिक करने के बाद मैं इधर फोल्डर में जाता हूँ। फोल्डर में जाने के बाद मैं कौन सा भी पिक्चर ले लेता हूँ, अंश मैं अपना कौन सा पिक्चर लूँ, बहुत पिक्चर है, तो मैं ये पिक्चर ले लेता हूँ। और ये पिक्चर में आप देख सकते हैं मेरा फ़ोटो, जूम करके आप देखिए मेरा फ़ोटो इधर मैंने अपने फ्लैग में लगा दिया है। आप भी अपना फ़ोटो लगा सकते हैं ये फ्लैग में, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। तो मेरा फोर्थ वेबसाइट यही था। और लास्ट एंड हैकिंग का थोड़ा आप दीवाने हैं तो ये वेबसाइट देख के जाइएगा। ये वेबसाइट का नाम है मैप। कौन कौन आपके कंट्री को हैक कर रहा है वो पता चलेगा। तो इसका पूरा वेबसाइट नाम डालिएगा mapmap.norescrop.com। ये दबने के बाद मैं सर्च करता हूँ। सर्च करने के बाद एक वेबसाइट ओपन हो जाता है, इधर आपको आएगा Norescrop। इसको नहीं, इसको लाइव, आपको लाइव देखना है लाइव। अभी साइबर के द्वारा लाइव कौन कौन हैक कर रहा है, तो इसके द्वारा हम लोग देख सकते हैं। तो ये वेबसाइट में आप सिंपली क्लिक करेंगे, मैं क्लिक करता हूँ ये वेबसाइट। ये वेबसाइट को क्लिक करने के बाद इधर मेरा कुछ ओपन हो रहा है। ओपन में आप देख सकते हैं ये ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद इधर कौन सा कंट्री किसको अभी ट्रैक कर रही है, हैक कर रही है, मीन्स हैकिंग के रिलेटेड ये दिखाता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अभी इंडिया में अभी किधर ट्रेड हो रहा है हैकिंग का ट्रेड, तो रशिया से इंडिया देख सकते हैं। मैप बहुत सारा इसमें सिस्टम बताएगा। अभी यूनाइटेड स्टेट जो है इंडिया को हैक करिए, ये रेड से पता चलेगा। सो आज का वीडियो मेरा यही तक था। आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।